हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज संडे है और जैसा कि मैं हर संडे को एक संडे स्पेशल वीडियो देता हूं, उसी तरह से लास्ट संडे मैंने एक टॉपिक पे बात किया था जहां पे झगड़े को किस प्रकार से जल्दी से समाप्त करना है। उसी तरह का एक टॉपिक मेरे दिमाग में और चल रहा था, बहुत पहले से ही मैं सोच रहा था कि इसके बारे में मैं बतलाऊंगा एक वीडियो में, तो मैं बतला नहीं पा रहा था। इसको बतलाने से पहले मैं सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है मुझे कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कॉल ना करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स तो है ही। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दूँ। मैं आज एक हैबिट के बारे में बात करना चाह रहा था, ये भी झगड़े से ही संबंधित है। मैंने अपने दो दोस्त में इस तरह का एक अलग अलग आदत देखा था। एक दोस्त था जो अभी आपसे झगड़ा किया, आधा एक घंटा बाद फिर आपके साथ ही मतलब बातचीत चालू हो गया, आपके साथ पहले जैसे था वैसे वही सिचुएशन में आ गया। और एक मेरा ऐसा दोस्त था जो अगर आपसे झगड़ा किया तो फिर समझिए कि आपसे झगड़ा हो गया, कन्फर्म मतलब आपसे वो बात अब नहीं करेगा। वो डीपली अपने हार्ट पे झगड़े को ले लेता था इस तरह से। अब ये सोचिए कि कौन सा मेरा दोस्त अच्छा था। अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ कि जो झगड़े को लाइटली लेता था और तुरंत ही झगड़े को भूलकर फिर पहले वाला सिचुएशन में आ जाता था, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा था। आप किसी झगड़े को हार्ट पे ले लेते हैं तो क्या होता है, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है या जो भी है, पड़ोसी है, क्या होता है कि आपके बीच में जितने दिन तक आप झगड़े को बरकरार रखते हैं धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ते जाएगा। इस तरह से उन दोनों के बीच, या अगर आप हैं तो आप दोनों के बीच इस तरह का एक दरार बन जाएगा, एक खाई बन जाएगा जो फिर कभी भरने वाला नहीं होगा, और फिर दुश्मनी जैसा हो जाएगा, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाता है, बड़े बड़े दुश्मनों के बीच दुश्मनी जो दिखाता है, इस तरह से सिचुएशन हो सकता है। तो इस छोटे से वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, किसी से भी इस तरह का छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो आप उसको लाइटली लें और तुरंत ही झगड़े को समाप्त कर दें। इस तरह का आदत जो होता है उसके वजह से होता है। तो इस तरह का आदत जो होता है वो यहाँ से शुरू नहीं होता है कि आप में वो आदत है, वैसा नहीं है। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा में वो आदत हो सकता है कि आपके दादा दादी में वो आदत हो। इस तरह का जनरेशन बाय जनरेशन चलता है। अगर आप उस आदत को पकड़ के रखते हैं तो फिर क्या होगा, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो इस तरह से ये आदत जो है आपके लाइफ में बहुत ही एक ऐसा प्रभाव डालता है जो लाइफ खराब कर देता है। मुझे लगता है कि ये आदत किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये आपके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसीलिए अगर आप में ये आदत है या किसी में भी आदत है तो मैं यही कहूँगा कि वो अपनी आदत को बदल ले, और किसी के साथ भी कहीं भी इस तरह से छोटा मोटा बात होता है, छोटा मोटा झगड़ा होता है, तो तुरंत ही उसको लाइटली लें और उस झगड़े को समाप्त कर दें। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अंदर अगर ये आदत है तो इसको आप प्रयास करें, रिमूव करने का प्रयास करें, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बदलता। प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से ये आदत बदलेगी। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और नेक्स्ट संडे को मैं एक टॉपिक पर चर्चा करूँगा। वो टॉपिक है सबसे आसान काम क्या है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। ज़्यादातर बच्चे यही चाहते हैं। तो इस वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट संडे को इस पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।